नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस अप टू इनफिनिटी में आपका स्वागत है। हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाया है, वो भी आप देखिएगा ज़रूर, और इसमें हम बात करेंगे मिडवेल हिस्ट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पीसीएस प्री एग्ज़ाम 1992 में मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछा गया था, जंतर मंतर का निर्माण किया था। इसका सही ऑप्शन है महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण जो जयपुर में हुआ था, इसका निर्माण कराया था सवाई जय सिंह ने, और इन्होंने 5 वेदशालाएं बनवाई थी जो विभिन्न स्थानों पर थी, जैसे दिल्ली में बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में जंतर मंतर अवस्थित है, जिसकी स्थापना कराई थी सवाई जय सिंह या महाराजा जय सिंह ने। बिहार पीसीएस 1994 में पूछा गया था प्रश्न, पहला मध्यकालीन भारत से, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। इसका सही ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में सर्वप्रथम अख्ता प्रदान किया था, और यहां से ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। इसका जो सही ऑप्शन है वह है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था 1296 से लेकर के 1316 तक, इन्होंने खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित किया था, और राजस्व सुधारों के दृष्टिकोण से इन्होंने खालसा भूमि को का विकास किया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 1994 में वह सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे। इसका सही ऑप्शन है चांदी और तांबा। टंका और ससगनी सिक्के चांदी के बने हुए थे, और जीतल ताम्र मुद्रा की तांबे की बनी थी। टंके और जीतल का जो अनुपात था, पैमाना था, वह था 1:4:8 का। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है बारहमासा की रचना किसने की थी। बारहमासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में रानी पद्मावती के विरह योग का वर्णन बारहमासा के रूप में किया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। इसका सही ऑप्शन है भू राजस्व विजयनगर साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी। इसके कारण आमदनी का आर्थिक स्रोत जो है अच्छी प्रकार से हो जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया था पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था। इसका सही ऑप्शन है उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी से जीत गया था, और सैनिक कुशलता के कारण यह जीत संभव हुई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है जप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। इसका सही ऑप्शन है सी शेरशाह। शेरशाह ने टोडर मल की जप्ती प्रणाली को भू राजस्व वसूली के लिए अपनाया था, और शेरशाह को ही जप्ती प्रणाली का जन्मदाता भी माना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है जवाबित का संबंध किससे था। इसका सही ऑप्शन है राज्य के कानून से। अगला जो प्रश्न 1994 में पूछा गया था वह है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। इसका सही ऑप्शन है कांधार। कांधार राज्य मुगलों और ईरान के शासकों के मध्य झगड़े का एक प्रमुख कारण था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 1994 में वह है दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। इसका सही ऑप्शन है जहांगीर। मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए जहांगीर ने सवार पद में दो अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न बिहार पीसीएस 1996 में जो पूछा गया था वह है वेनसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। इसका सही ऑप्शन है मथुरा।
वेन सॉन्ग जो थे ये चीनी यात्री थे और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इस समय में मथुरा सूती कपड़ों के लिए प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 1996 में वह है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, इसका सही ऑप्शन है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के शासक एल्दौस पर नज़र रखने के लिए लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, इसका सही ऑप्शन है जफर खान। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के भय से मंगोल उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस भी चले गए थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 1996 में वह है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का जो क्रम है वह है देवराई का युद्ध जो कि लड़ा गया था 1531 में, चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 में और सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1555 में। तो इस हिसाब से देखेंगे तो सही क्रम डी ऑप्शन आता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, इसका सही ऑप्शन है ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत में लिखा है शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से यह बात सत्य मानी जा सकती है, ऐसा कहना है डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव का। लेकिन जे एन सरकार और बी ए स्मिथ इस बात से सहमत नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, कारण महाविहार को राजकोषीय सहायता मिलना बंद हो गया था। इन कारणों की व्याख्या करेंगे तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। 11वीं शताब्दी में बंगाल के पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देना आरंभ किया था, इसका कारण नालंदा का महत्व घटने लगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, इसका सही ऑप्शन है शेर शाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी ने बनाया था और पाटलिपुत्र से उसका नामकरण पटना कर दिया था। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम में 1998 में पूछा गया था पहला क्वेश्चन तबकाते नासरी का लेखक कौन था, मध्यकालीन भारत से प्रश्न है तबकाते नासरी का लेखक कौन था, इसका जो सही ऑप्शन है वह है मिनाज उस सिराज। अलबरूनी ने तहकाते हिंद लिखी थी, बरनी ने फतवाए जहांगीरी लिखी थी, तारीख़ फिरोज शाही की रचना बरनी ने की थी, मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासरी की रचना की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था, इसका सही ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1310 से लेकर के 1311 के बीच कराया गया था। इसमें कुरान की आयतों को आकर्षक ढंग से लिखा गया है। इस मस्जिद में बनी एक गुंबद में पहली बार विशुद्ध वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। इस दरवाजे की साज सज्जा में बौद्ध तत्वों के मिश्रण का भी आभास होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है
हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ये कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हुमायूं नामा की रचना उनकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है और इसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? इसका सही ऑप्शन है शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा 1648 में कराया गया था। इस किले के भीतर मोती महल, हीरा महल, नहर ए बहिस्त, शीश महल आदि इमारतें थी। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा रखा गया। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया था मध्यकालीन भारत से पहला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? इसका जो सही ऑप्शन है वह है चंदर वरदाई। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने पीछे भी ये क्वेश्चन पढ़ा। चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड राज राय पिथौरा के राज दरबारी कवि थे चंदर वरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी और जयानक ने पृथ्वीराज विजय, कल्हण ने राज तरंगड़ी की रचना की थी। तो आगे आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध हुआ था इस समय किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है कुली कुतुब शाह। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया और इसी के कारण दोनों के बीच गोलकुंडा का युद्ध लड़ा गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है? इसका सही ऑप्शन है मुबाइन। फारसी बाबर ने फारसी भाषा में मसनवी जो मुस्लिम कानूनों का संग्रह है उसे मुबाइन कहा जाता है और यह इसकी रचना जो की गई है वह पद्य शैली में की गई है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? इसका सही ऑप्शन है होली वार। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होली वार था और इसके माध्यम से वह दारुल इस्लाम की स्थापना करना चाहता था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 1999 में वह है, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति थे राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी काव्य पुस्तक पद्मावत में इस युद्ध का वर्णन किया है। बिहार पीसीए 2001 में मध्यकालीन भारत से जो प्रश्न पूछा गया था वह है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी और इन्होंने कहा था कि मेरे मकान में दो दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से चला जाऊंगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है शेरशाह सूरी। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। 1539 में शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह सुल्तान ने आदिल की उपाधि ग्रहण करके सुल्तान बन गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 2001 में वह है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो ये जो सुल्तान थे ये थे फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था ये है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है?
इसका सही ऑप्शन है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने राजपूत शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से दिल्ली के स्थान पर आगरा को 1504 में अपनी राजधानी बनाया था। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2002 में मध्यकालीन भारत से प्रश्न आया था, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सैयद वंश। तुर्क आक्रांता तैमूर ने 1398 में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का जो शासक था इसके समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर दिल्ली को जीतकर खिजर खां को अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया और सैयद वंश की नींव डाली थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसका जो सही ऑप्शन है वह है फिरोज शाह तुगलक। इनके दरबार में दासों की संख्या सर्वाधिक थी, लगभग 180,000 दास थे और इसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता था। जो विभाग था उसमें दीवाने बंदगान। 2002 में अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। इसका सही ऑप्शन है सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार के लिए दफ्तर खुलवाया था और बेरोजगारों को रोजगार। बिहार पीसीएस 2004 में मध्यकालीन भारत से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है अलाउद्दीन खिलजी। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। अलबरूनी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रयोग किया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 2004 में वह है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। इसका सही ऑप्शन है विद्वानों को दी जाने वाली राजत्व मुक्त अनुदान भूमि। मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत विद्वानों को दी जाने वाली राजत्व भूमि राजत्व मुक्त अनुदित भूमि मदद ए मास कही जाती थी। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है दास्ताने आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। इसका सही ऑप्शन है अब्दुस समद। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। इसका सही ऑप्शन है चौधरी। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था वह है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, इसका सही ऑप्शन है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन व समझ सके। इसी कारण हिंदी पंजाबी बांग्ला कन्नड़ तेलुगु तमिल आदि भाषाओं का विकास हुआ। अगला प्रश्न 2005 में पूछा गया था मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। इसका सही ऑप्शन है सी लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी होता था। इसका मुख्य कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। इसका सही ऑप्शन है ए रामचंद्र देव। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था और उस समय देवगिरी का राजा रामचंद्र देव था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जो दक्षिण भारत को जीता था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। इसका सही ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। 1206 से 1210 इसका शासन काल था और इसी के बाद भारत में तुर्की राज स्थापित हो गया था।
बिहार पीसीएस 2008 में मध्यकालीन भारत से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है, इतिमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इसका सही ऑप्शन है नूर जहां ने। जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में बना इतिमादुल्ला का मकबरा है। बेदाग सफ़ेद संगमरमर के बने इस चतुर्भुजाकार मकबरे का निर्माण नूरजहां ने कराया था। नूरजहां के पिता का नाम इतिमादुल्ला था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 2008 में वह है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इसका सही ऑप्शन है मलिक जानी। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार करके राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिस्सामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? इसका सही ऑप्शन है 1532। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। इस किले को 4 महीने तक उन्होंने घेरे रखा था और बाद में शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसके अतिरिक्त 1531 में कालिंजर पर आक्रमण किया। 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को भी हुमायूं ने जीता था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? इसका सही ऑप्शन है लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी। वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। सूर्यवंशीय शासक शेर शाह ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। पहला नस या मुक्ताई या इसे कनकूत भी कहा जाता था। दूसरा नगदी या जप्ती। तीसरा था गल्ला बख्शी या बटाई। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 2008 में वह है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। इसका सही ऑप्शन है सी 1576 में। अकबर के आदेश पर मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया और इसके साथ ही 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। 12 मार्च 1576 को टोडरमल मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित कर दिया और इसके बाद 1576 में बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बिहार पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2011 में मध्यकालीन भारत से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने अपना प्रतिनिधि बनाया था और लाहौर का शासक बनने के लिए इसे निमंत्रण दिया था। 1206 में ऐबक ने लाहौर में अपना राज्याभिषेक कराया और 4 साल के बाद 1210 में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शासक की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी, तो इसका जो ऑप्शन होगा वह ऐबक होगा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आप देख सकते हैं यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस समय जो देवगिरी के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, वह रामचंद्र देव थे। अगला प्रश्न जो 2011 में पूछा गया था वह है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त कर दिया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है अकबर। 1563 में अकबर ने प्रयाग और बनारस में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तीर्थ स्थानों पर लगने वाले तीर्थयात्रा कर की वसूली को भी बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? तो दारुल सफा जो है वह एक खैराती अस्पताल।
बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2014 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था मध्यकालीन भारत से, वह है सासाराम में किसका मकबरा है। तो इसका सही ऑप्शन है शेर शाह का। सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी बिहार के सासाराम में एक झील के ऊंचे चबूतरे पर निर्मित मकबरा इनका हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों दोनों का समन्वय इसे माना जाता है, इस प्रकार से इनका मकबरा बनाया गया है। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है ढाई दिन का झोपड़ा क्या है। इसका सही ऑप्शन है मस्जिद। लाख बख्श के उपनाम से जो विख्यात है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था और भारत के प्रथम मुस्लिम शासक भी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया था और अजमेर में ढाई दिन के झोपड़े के नाम से एक मस्जिद बनवाई थी। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये यहाँ पे जितनी लाइनें हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में प्रथम मस्जिद दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम बनवाई थी, कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था और इनकी मृत्यु लाहौर में पोलो खेलते समय हो गई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। इसका सही ऑप्शन है तुर्की। तुर्की में तुजुके बाबरी या बाबर नामा की रचना बाबर ने की थी और बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तुजुके बाबरी जो है यह बाबर की आत्म कथा है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है बाबर ने खानवा युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर पितृपक्ष से पापा की तरफ से अपने तैमूर था और मातृपक्ष से माँ की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 2015 में वह है हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। इसका सही ऑप्शन है हकीम खां। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। मुगल सेना का नेतृत्व किया था राजा मान सिंह ने और राजपूत सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप ने किया था। इसमें अफगान सरदार हकीम खान सूर प्रमुख थे। रायगढ़ में शिवाजी ने अभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। इसका सही ऑप्शन है रायगढ़। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 में पूना के पास शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ महाराष्ट्र में थी। शिवाजी के राज पुरोहित गंगा भट्ट थे और इनके गुरु थे रामदास। तो राज पुरोहित के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है कि इनके राज पुरोहित कौन थे शिवाजी के, गंगा भट्ट, और गुरु के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनके गुरु थे गुरु रामदास। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2017 में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। इसका सही ऑप्शन है रक्षा विभाग। सल्तनत काल में आरिज़ मुमालिक विभाग और दीवाने अर्ज एक ही विभाग को कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। आरिज़ मुमालिक सैन्य विभाग रक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवाने इंसा का संबंध शाही पत्राचार से होता था। वित्त विभाग का संबंध दीवाने मुस्तखराज से था। इस विभाग की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। इसका सही ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। वह आरंभ में ब्राह्मण गंगू का नौकर था। बहमन शाह एक योग्य शासक था। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था और उसका नाम अहमदाबाद रखा। उसका राज्य 4 सूबों में बटा था। अगला प्रश्न पूछा गया था 2017 में वह फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। इसका सही ऑप्शन है देवराय सेकेंड। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा 1442 से लेकर के 1445
देवराय द्वितीय के शासनकाल में की थी। अब्दुल रज्जाक ईरान के शाह शाहरुख का राजदूत था। उसने विजयनगर राज्य के वैभव और ऐश्वर्य के बाद संजीता विजयनगर राज्य के वैभव और ऐश्वर्य के बारे में काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना का श्रेय हरिहर और बुग्गा नामक दो भाइयों को जाता है। हरिहर और बुग्गा नाम के दो भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है, जसवंत और दसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। इसका सही ऑप्शन है अकबर। अकबर के शासनकाल में चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग भी अकबर के द्वारा खोल दिया गया था। बाबर भारत में मुगल चित्रकला शैली को स्थापित करने का श्रेय अकबर को जाता है। उसके दरबार में प्रायः 100 अच्छे चित्रकार रहते थे जिसमें 17 को दरबार में प्रमुख स्थान प्राप्त था। इन चित्रकारों में अब्दुल समद, मीर सैयद अली, फरुख बेना, जमशेद, जसवंत और दसावंत थे। अगला जो प्रश्न है वह कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। इसका जो सही ऑप्शन है वह नान्य देव। 11वीं सदी के अंत में बिहार में पाल वंशों की सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी। रामपाल के शासनकाल का जो समय पीरियड था वह 1097 से लेकर के 1098। तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ था और इसके संस्थापक थे नान्य देव, जो कि एक महान शासक माने जाते हैं। इनका समय था 1098 से लेकर के 1133। इनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। अब नेपाल की तराई का पूर्वोत्तर क्षेत्र है वह। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 2017 में मध्यकालीन भारत से वह है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। इसका सही ऑप्शन है बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता होने का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस और अवध के सेनापति मलिक हसमुद्दीन का सहायक था। बख्तियार खिलजी की बिहार की पहली महत्वपूर्ण सफलता औदन्तपुरी बिहार, जिसे बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। 1198 में यह विजय इन्हें मिली थी। बख्तियार खिलजी औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन के अधीन शासन करते थे। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया था, राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है। इसका सही ऑप्शन है चंदेश्वर। अगला प्रश्न है, उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है। इसका सही ऑप्शन है मौली कवि। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। इसका सही ऑप्शन है बख्तियार खिलजी ने। नालंदा प्राचीन काल से ही शिक्षा और ज्ञान का केंद्र रहा था। इसकी स्थापना 5वीं सदी में कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। 7वीं सदी तक विश्वविख्यात हो चुका था नालंदा विश्वविद्यालय। 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय यह ध्वस्त कर दिया गया। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया था, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही ऑप्शन है हरी सिंह। कर्नाट वंश का शासनकाल 1098 से लेकर के 1325 तक रहा। इस वंश को स्थापित करने का श्रेय नान्य देव को जाता है। इस वंश का अंतिम शासक हरी सिंह देव था, जो कि एक समाज सुधारक था। उसी समय के पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। स्मृति और निबंध रचनाएं भी इसी के काल में बड़ी संख्या में लिखी गई। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2018 में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया। इसका सही ऑप्शन है बलबन। बलबन इल्तुतमिश का दास था। 1266 में दिल्ली का सुल्तान बना था बलबन। बलबन ने चहलगानी की समाप्ति कर दी और राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व के सिद्धांत के अनुसार सुल्तान नियामत खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसने जिल्ले इलाही की उपाधि भी धारण की थी। बलबन ने दरबार में सिजदा और पैबोस
की प्रथा जो कि ईरानी पद्धति थी इसे लागू किया था। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी लाइनें बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया था, भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया। इसका सही ऑप्शन है 12वीं शताब्दी में। कागज प्राचीन भारत की लेखन सामग्रियों में से एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कागज की उपलब्धि ने ज्ञान विज्ञान और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। कागज के आविष्कार ने आधुनिक मानव के बौद्धिक जीवन में दीर्घकालीन प्रभाव डाला। कागज के आविष्कार का श्रेय ब्यास लुन नामक चीनी व्यक्ति को जाता है। वह प्राचीन चीन के पूर्वी हान वंश के राज दरबार में वस्तुओं के उत्पादन का अधिकारी था, परंतु नए प्रमाणों के अनुसार कागज का आविष्कार उसने काफी पहले हुआ था। इसके बाद कागज दूसरी सदी में कोरिया और तीसरी सदी में जापान पहुंचा। इसी प्रकार धीरे धीरे पूरे विश्व में कागज का प्रसार हो गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 2018 में वह है, यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। इसका सही ऑप्शन है बी, अकबर के दरबार में। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी मुगल चित्रकला पर पड़ा। यूरोपीय कला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचे और इससे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं, व्यक्ति विशेष का चित्रण और दृश्य में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छोटे छोटे आकार में बनाने की कला को ग्रहण कर। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया था 2018 में, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। इसका सही ऑप्शन है अकबर। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया था। इस समय भारत में अकबर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति जहांगीर के द्वारा प्राप्त हुई थी 1608 में। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली 1498 में आए थे और सबसे बाद में 1961 में भारत से वापस लौटे थे। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो क्रम है वह इस प्रकार है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। इन कंपनियों को भारत से जाने का क्रम है डेन, डच, फ्रांसीसी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल फोकस अप इन्फिनिटी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।